जयराम सरकार के शिमला डेवलपमेंट प्लान को अब सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल के 2017 के उस फैसले को खारिज कर दिया है, जिसमें शिमला योजना क्षेत्र में निर्माण गतिविधियों पर 2.5 मंजिल की शर्त लगी थी। इसके साथ ही शिमला कोर व ग्रीन एरिया में भी भवन निर्माण पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी। पूर्व शहरी मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि शिमला शहर के लोगों को इन आदेशों की सख्त आवश्यकता थी। मुताबिक जो है वो यहाँ पर अब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, चाहे वो कोर एरिया हो या आपका रिस्ट्रिक्टेड एरिया हो, अन्य जितने भी जो है उसमें जो प्रावधान किए गए हैं डेवलपमेंट प्लान में, उसके मुताबिक होगी। असल में डेवलपमेंट प्लान 1979 में जब ये कानून बना था तब बननी चाहिए थी, लेकिन दुर्भाग्यवश जो है ये प्लान नहीं बन पाई। ये जब अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट मेरे पास था तो अन्य शहरों की भी डेवलपमेंट प्लान हमने बनाई और शिमला की भी डेवलपमेंट प्लान जो है ये बनाई है। इसे जो है वो माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्वीकार किया है, स्वीकारोक्ति दी है अपनी, तो उसके मुताबिक जो है वो शिमला की जनता को जो राहत मिलेगी, मैं इसके लिए शिमला की जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और अपने उच्चतम न्यायालय में जो है वो हमारे जो एडवोकेट्स थे मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं और साथ ही साथ जो है सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत जो है आभारी हूं, जिसके कारण अब यहां पर लेजिटिमेट कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ जो हैं वो संभव हो सकेंगी। सर कितना मंजिल बना पाएंगे शिमला के लोग? डिफरेंट इसमें है, कोर एरिया में जो है वो अभी तक टोटल बंद था, अब 2.5 मंजिल उसमें जो मेरी जानकारी है अभी तक, क्योंकि 1.5 साल हो गया है याद नहीं रहा, 3.5 मंजिल बाकी जो है, जो 2.5 साल वहाँ 3.5 मंजिल होगा, फिर FAR में भी जो है वो उसमें दिया है और एटिक में भी जो है वो उसमें प्रोविजन किया गया है कि किस प्रकार से जो हैबिटेबल एटिक होगी उसका प्रोविजन किया है। हालांकि हमारी नई सरकार ने भी एटिक में उन्होंने तो वैसे बढ़ा दिया, और क्यों बढ़ाया वो भी जानकारी है मुझे, लेकिन हमने जो डेवलपमेंट प्लान में दिया था उसके मुताबिक हैबिटेबल एटिक जो है बन सकती है, वो सारा जो है प्रोविज़न उसमें किया गया है और बहुत लेजिटिमेट, ना बहुत ऊंची ना बहुत, मतलब आप जो है ज़मीन पर ही रहेंगे ऐसा भी नहीं होगा, दोनों चीज़ों का ध्यान रख करके और हर चीज़ का प्रॉपरली जो है वो जो हमने एजेंसी हायर की थी उन्होंने सारा जो है सर्वे किया है उसका, कहाँ पर रास्ते होने चाहिए, रास्ते के साथ कितनी ऊंचाई होनी चाहिए, बाकी जगह जो है कितनी ऊंचाई होनी चाहिए, कहाँ पर जो है वो ग्रीन एरिया हो सकता है, कहाँ पर आपका कोर एरिया हो सकता है, कहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड एरिया होगा, उन सब का जो है प्रावधान किया है और ये TCP जो एक्ट है हमारा ओरिजिनल जो एक्ट है उसमें ही प्रावधान है ये कि डेवलपमेंट प्लान सब जगह की बनाई जाएगी। वो डेवलपमेंट प्लान जो है वो हमको इस बात का जो है वो सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि डेवलपमेंट प्लान जो है वो हमारी सरकार के समय बनकर के तैयार हुई ताकि शिमला की जनता को जो है वो सहूलियत मिल सके। ठीक है और भी